नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल EBD पाठशाला पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम 2020 का 12 जनवरी को हो चुकी है और 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब जो है नया एग्जामिनेशन डेट आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो है एग्जामिनेशन कब होगा, लेकिन आपका जो है सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। उसमें आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर वही रहेगा और सिर्फ आपका जो है एग्जामिनेशन डेट चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है 12 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम में जो है कौन सा शिफ्ट ज़्यादा टफ था और कौन सा शिफ्ट एक दूसरे के मुकाबले में थोड़ा इजी था, तो उस हिसाब से जो आपका कट ऑफ कितना जाएगा और कितना जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, तो देखेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ हम लोग पीछे वाले जो 2017 में एग्जाम हुए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल के, उससे भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे और साथ ही साथ दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को चेक करके आपको बताएंगे कितना आपने स्कोर किया होगा, तो आप जो है सेफ जोन में आप जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों, आप इस भ्रम में ना रहें कि आप जो है 30% मार्क्स सिक्योर कर लीजिएगा तो आप जो है पास माने जाएगा और आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वो सिर्फ ये बताया गया है कि आपका जो है 30% मार्क्स लाइएगा तो आपको जो एग्जामिनेशन में पास कहा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा शिफ्ट 12 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आसान थे एक दूसरे के कंपैरिजन में और कौन थोड़ा टफ था और इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं, इन सारी बातों को हम लोग जानकारी लेंगे और हम लोग एक जायज़ा लेंगे कि 12 जनवरी के पेपर के हिसाब से कितने स्टूडेंट ने कितने जो है मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब एवरेज स्टूडेंट जो है कितने अटेम्प्ट करके आए हैं और कितने लगभग सही होने के चांसेस है। आपको जो है यूट्यूब पर मौजूद है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो जिससे आप जो है अपना चेक कर सकते हैं कि आपको जो है कितना स्कोर हुआ है। मैं भी आपको जो है पेपर यदि आप रिक्वेस्ट करिएगा या कमेंट बॉक्स में करिएगा तो मैं डाल दूंगा, आप जो है चेक कर सकते हैं कि कितना आपने स्कोर सिक्योर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है 2017 के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 2017 का जो है ये एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें आपका जो है दिखाया गया है कि कितने जो है स्टूडेंट जो है आपका अपीयर हुए थे और कितना जो है फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो है कट ऑफ तैयार किया गया था। ये देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, ये आपका जो फिजिकल में बुलाया गया था उसका कट ऑफ ये नहीं है। तो लगभग उसके हिसाब से आप जो है 5 से 10 नंबर इसमें घटा सकते हैं, उतना ही आपका जो है फिजिकल का कट ऑफ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देख लें तो पिछला बार जो आपका वैकेंसी कुल मिला के जो थी वो आपकी थी 9900, यानी 9999 के आसपास वैकेंसी थी जिसमें लगभग जो है आपका दोस्तों 7.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए थे, तो पर सीट जो है लगभग 75 स्टूडेंट का फाइटिंग था। इस बार जो है दोस्तों आपका 11000 वैकेंसी है और उसमें लगभग 12 से 13.5 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, तो इसमें 105 स्टूडेंट जो है पर सीट पर फाइटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फाइटिंग का कंपैरिजन। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है आपका क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही हाई है पिछले बार के कंपैरिजन में, यानी 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी था उसके रिस्पेक्ट में जो है दोस्तों आपका इस बार का क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा है। पिछले बार का क्वेश्चन को यदि आप मानते हैं कि ईजी टू मॉडरेट था, तो इस बार मॉडरेट टू हार्ड आप मान सकते हैं और इसलिए दोस्तों इसका जो है आपका इफेक्ट कट ऑफ पे साफ साफ नज़र आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि 2017 में जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितने कट ऑफ तैयार किए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रथम पाली के लिए सामान्य वर्ग के लिए कितना कट ऑफ था, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 80 मार्क्स थे और द्वितीय पाली के लिए 85, तृतीय पाली के लिए 85 और तीनों को नॉर्मलाइज करने के बाद जो है एवरेज करके 76.66 कट ऑफ बनाया गया था और ओबीसी के उसी तरीके से देख सकते हैं 75, 65 और 62, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है स्कोर के, उसके बाद जो है आपको 67.33 जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका जो है कट ऑफ बना था। इसमें एससी का भी उसी तरीके से देख सकते हैं और एसटी का भी उसी तरीके से सारा का यहाँ पर किया गया है, जिसमें एससी का था 55.66 और 39.33, यानी इससे आपको ये पता चल जाता है दोस्तों कि आपका जो है एग्जामने में नॉर्मलाइजेशन होगी। यानी दोस्तों यदि आपने कम स्कोर सिक्योर किया है, यानी आपका जो है एग्जामिनेशन जो है ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों देख लें कि जो 12 जनवरी का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है उसके आधार पर देखा जाए तो उसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था सेकेंड एज रिस्पेक्ट टू सेकेंड शिफ्ट। तो यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट ज़्यादा करके आए हैं, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छी
तो देखा जाए दोस्तों, 12 जनवरी के एग्ज़ाम के हिसाब से मोटा मोटी तौर पे आपका जो है 12 जनवरी के एग्ज़ाम में जो सेकंड शिफ्ट था वो एज रिस्पेक्ट टू फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से इजी था। और दोस्तों इस बार जो है एक सीट पर आप देख सकते हैं 105 स्टूडेंट, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बताया कि फाइट कर रहे हैं। पिछला बार जो आपका था 76, लेकिन पिछला बार जो है दोस्तों आपका जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्ज़ाम का बहुत ही ईजी था, जबकि इस बार जो है बहुत ही है। और इस बार आपका जो पिछला बार जो है आपका मात्र 2 गुने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मात्र 2 गुने लोगों का। और इस बार जो है दोस्तों नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है 5 गुने लोगों का सिलेक्शन होना है, यानी लगभग आपका जो है दोस्तों 60,000 लोगों का सिलेक्शन होगा आपका जो है फिजिकल टेस्ट के लिए, PET के लिए, समझ गए दोस्तों, यानी 60,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यानी कहाँ पिछला बार आपका लगभग 22,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इस बार उससे 2.5 गुना लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। तो इसका जो है आपका कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली। तो एक बार कट ऑफ पे नज़र दौड़ाएं दोस्तों, तो उस हिसाब से पिछला बार जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ 76 था, तो यानी कि उसमें जो है PET का कट ऑफ जो होगा लगभग 65 to 68 था, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें जो है दोस्तों इस बार उस बार 2 गुना लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और इस बार जो है आपका लगभग 5 गुना लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये जो है कट ऑफ दोस्तों लगभग आपका 55 से 60 के बीच रहने की संभावना है, यानी 55 से 60 यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका जो है सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए आप 6 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, और सेकेंड शिफ्ट वाले लगभग 60 स्कोर यदि कर रहे हैं तो वो जो है आपका अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। मैं ये आपका जनरल की बात कर रहा हूँ, और इसमें आप OBC SC और ST का जो है दोस्तों आप 5-5 नंबर घटा के देख सकते हैं कि आपका जो है उतना ही रहेगा। आप इतना मार्क्स अगर कवर कर रहे हैं तो आप जो है सही कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, आपका जो है PET में सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो है PET का प्रिपरेशन करते रहें। बाकी दोस्तों आपको जो है 100% सारे एकदम कट ऑफ पूरे एनालिसिस के साथ जो है जब एग्ज़ाम से बाकी बचे हुए एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ज़्यादा अच्छे से अनुमान लगा पाऊंगा, और ज़्यादा अच्छे से आपको जो विस्तार में इन सारे बातों पर एनालिसिस करके बता पाऊंगा। तो बाकी बातों को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।